हेलो दोस्तों, आप सब कैसे हैं? उम्मीद करता हूँ सभी अच्छे होंगे, जहाँ भी होंगे। चलिए हम लोग देख लेते हैं कि आज आपको क्या पढ़ना है, क्या रिवीजन करना है, क्या एमएपी टास्क कवर करना है। तो यहाँ पर आपकी ये तैयारी का आज आपको 40वां दिन देखने को मिलेगा, और यहाँ पर 24 अगस्त है। तो यहाँ पर आज आपको हिस्ट्री क्लास 11th क्लास की आपको पढ़नी है, जिसका नाम है द थीम्स इन द वर्ल्ड हिस्ट्री। आपको देखने को मिलेगा, इसका आगे का यूनिट पढ़ना है आप लोगों के लिए, 3 दिनों से पढ़ने के लिए दी जा रही है। तो आज आपको यहाँ पर यूनिट 4 यानी कि इकाई 4 है वो आपको पढ़ना है, जिसका नाम है टूबर्ड्स मॉडर्नाइजेशन के नाम से आपको देखने को मिलेगी। इसको सिर्फ और सिर्फ पढ़ना है, इसके नोट्स नहीं बनाने हैं, क्योंकि जब हम आपको वर्ड हिस्ट्री पढ़ाएंगे तो वहां पर कवर करा देंगे। ओके, इसके अलावा आपको रिविजन भी करना है। तो देखिए, रिविजन क्या करना है, तो आपके लिए जो कल रिविजन के लिए दिया गया था, फिर उसके आगे का 1/3 पार्ट आपको रिविजन करना है, यानी कि टैक्स नंबर 5 का आपको रिविजन करना है। टैक्स नंबर 5 में हम क्या दिए थे, टैक्स नंबर 5 में हम 10th क्लास की ज्योग्राफी की एनसीईआरटी आप लोगों के लिए दिए थे, और साथ में बहुत सारी लोकेशन भी दिए थे कई दिनों तक, तो वो सारी आपको रिवाइज करनी है। ओके, इसके अलावा देखिए, आपको आपको आज का जो न्यूज़पेपर है वो पूरे का पूरा न्यूज़पेपर आपको पढ़ना है, यानी कि फुल रीड करना है। इसका क्या तात्पर्य है कि आपको लाइन बाय लाइन पढ़ना है? नहीं, देखिए, फुल न्यूज़पेपर से तात्पर्य है यहाँ पर कि आपको जो भी आज के न्यूज़पेपर में इंपॉर्टेंट न्यूज दे रखी होंगी, वो सारी की सारी आप लोगों के लिए पढ़नी है। अभी सिर्फ आपको एडिटोरियल कुछ दिनों तक दिया गया था, अब आपको पूरा न्यूज़पेपर पढ़ना होगा। ओके, तो आपको कैसे पता चलेगा कौन सी ये न्यूज है वो हमारे एग्जाम के लिए इम्पोर्टेंट है, कौन सी हमको स्किप करनी चाहिए, तो इसकी जानकारी देखिए, कल हम आपको बताए थे वो एक वीडियो देखने के लिए, हम उसमें बताए सविस्तार में कि न्यूज़पेपर को कैसे पढ़ना चाहिए, कौन सी न्यूज को स्किप करना चाहिए, सब कुछ हम बताए थे सविस्तार में। लेकिन वो वीडियो हमारे इस चैनल पर नहीं पड़ी हुई कॉपीराइट की वजह से, हम पहले कभी किसी बैच के लिए पढ़ाए थे तो हमने रिकॉर्ड कर ली थी, तो वो हम अपलोड भी कर दिए थे। तो उसका लिंक अगर आप लोगों को चाहिए होगा तो कमेंट कर दीजिए, आप लोगों को शेयर कर दी जाएगी। ओके, चलिए वो आप लोग जाकर के देख लीजिएगा, आपको समझ में आ जाएगा न्यूज़पेपर के बारे में, किस तरह से उसके नोट्स बनाए जाते हैं, किस तरह से पढ़ा जाता है। इसके अलावा देखिए, आपको लाइव क्लास भी करनी है, 6 बजे आप लोगों की लाइव क्लास होगी। देखिए, आज हमारे गले में बहुत ज्यादा प्रॉब्लम हो रही है, सांस लेने में थोड़ी दिक्कत हो रही है, तो आज हो सकता है 3 बजे वाली क्लास ना हो, वो हम आप लोगों को बता देंगे। ओके, तो आप लोगों को परेशान नहीं होना है। इसके अलावा हमारी अफ्रीका की कुछ लोकेशन है वो भी हम लोग देख लेते हैं, जैसे देखिए जिब्राल्टर जलसंधि तक हम आ गए थे, और आगे हम जाएंगे तो हमें फिर से वो सारी लोकेशन देखने को मिलेगी जो हम पहले ही देख चुके हैं, क्योंकि मेडिटेरियन की भूमध्य सागर में हम लोग पहुंच जाएंगे। तो इधर तो हमें अब जाना नहीं है, क्योंकि इधर एक बार हम घूम चुके हैं। देखिए, थोड़ा सा प्रॉब्लम हो रहा है, कोई बात नहीं। चलिए हम लोग देखते हैं कि जो ये लोकेशन है ना, ये कहाँ पर आपको देखने को मिलेगी। तो देखिए, हम जो अफ्रीका है ना, इसी की फिजिकल लोकेशन को आज हम लोग देखने वाले हैं। तो देखिए, यहाँ पर आपको स्ट्रेट ऑफ जिब्राल्टर देखने को मिली, तो क्या है स्ट्रेट ऑफ जिब्राल्टर आपको देखने को मिलेगी। फिर देखिए, ये एटलस माउंटेन देखने को मिलेगा। तो देखिए, ये आपको थोड़ा सा डार्क डार्क ब्राउन ब्राउन कलर का, या फिर येलो येलो डार्क येलो आपको दिख रहा है ना, तो यही क्या है इस तरह से, ये जो आपको दिख रहा है ना, देखिए मैं यहाँ पर ठीक से बना देता हूँ जिससे आपको क्लियर हो जाए। देखिए, इस वाले रीजन में आपको कुछ डार्क कलर दिख रहा है ना, तो ये जो है यही क्या है, एटलस माउंटेन आपको देखने को मिलेगा। लेकिन इसी एटलस माउंटेन में बहुत सारी रेंजेस हैं, बहुत सारी ब्रांचेस आपको देखने को मिलेंगी, तो वो आपको ये सारी देखने को मिलेंगी। तो देखिए, यहाँ पर हम लोग देखते हैं, यहाँ पर ये सारी लोकेशन मिलेंगी आपको आपके फिजिकल मैप में, लेकिन हम आपको सारी बता देते हैं। जैसे यहाँ पर देखिए, आपको हाई प्लेट्यू देखने को मिलेगा, तो हाई प्लेट्यू कहाँ पर है, तो वो यहाँ पर आपको इस तरह से हाई प्लेट्यू देखने को मिलेगा। अब देखिए, इसी से देखिए इधर आपको देखने को मिलेगा जो हाई प्लेटू है ना, फिर इधर आपको बहुत सारी लोकेशन देखने को मिलेंगी। जैसे इधर ये टेल एटलस सबसे पहले देखने को मिलेगा, टेल एटलस के बाद में आपको सहारन एटलस देखने को मिलेगा, सहारन एटलस इस तरह से थोड़ा सा नीचे आपको देखने को मिलेगा। फिर देखिए, आपको मिडिल एटलस देखने को मिलेगा, ये देखिए मोरक्को के इधर आपको मिडिल एटलस देखने को मिलेगा, फिर आपको हाई एटलस इस तरह से देखने को मिलेगा, फिर देखिए आपको यहाँ पर एंटी एटलस इस तरह से आपको देखने को मिलेगा। ओके, और देखिए, ये जो एटलस माउंटेन है उसी की आपको सबसे ऊंची चोटी आपको देखने को मिलेगी। ओके, तो आप लोग इस तरह से जो भी महत्वपूर्ण महत्वपूर्ण हम आपको रेंजेस देंगे, माउंटेन्स देंगे, उनकी सबसे ऊंची चोटी कौन सी है वो भी आप लोगों के लिए देख लेनी है। ये हाई प्लेट्यू की नहीं है, बल्कि ये आपको देखने को मिलेगी एटलस माउंटेन की आपको देखने को मिलेगी। यहाँ पर ये मतलब हमने इसको नीचे किया था, लेकिन ये फिर से ऊपर हो गया, क्योंकि हम उसको सेव नहीं कर पाए थे लगता है, तो इस वजह से ऐसा हो गया, कोई बात नहीं। इसके अलावा देखिए, आपको अहागार माउंटेन देखने को मिलेगा, ये कहाँ पर है, तो देखिए इधर आपको थोड़ा सा आप लोग इस तरह से नीचे आएंगे ना, तो यहाँ पर आपको देखने को मिलेगा जो अल्जीरिया है, तो वहां पर आपको आहागर माउंटेन देखने को मिल जाएगा ये वाला। फिर आप लोग थोड़ा सा और आगे जाएंगे तो देखिए यहाँ पर तिब्बती माउंटेन देखने को मिलेगा, तो देखिए तिब्बती माउंटेन कहाँ पर है, इधर देखिए लीबिया है, इधर चांड है, इधर नाइजर है, तो इसके यहाँ पर जो बॉर्डर है ना, इस बॉर्डर पर आपको यहाँ पर ही आपको देखने को मिलेगा। मैं थोड़ा सा क्लियर कर देता हूँ, बहुत सारा हॉज पॉज हो गया। तो देखिए,
यहाँ पर तिब्बती कहाँ पर है ये वाला आपको देखने को मिलेगा। ओके अब देखिए यहाँ पर, देखिए यहाँ पर आपको डाफर भी देखने को मिलेगा, तो वो कहाँ पर है वो आपको यहाँ पर देखने को मिलेगा। फिर देखिए यहाँ पर सनी पेनिसुलर, ये कहाँ पर है, जहां पर हम आपको स्विज नहर पढ़ाए थे ना, तो यही स्विज नहर है, तो यहाँ पर आपको एक प्रायद्वीप देखने को मिलेगा। आप लोग अपने फिजिकल मैप पर देखिएगा, जूम भी दिया रखा होगा तो उसको भी आप लोग चेक कर सकते हैं जा करके, मतलब एटलस होता है ना तो उसके फिर बाद में कुछ कुछ पार्ट दिखाता है उसमें, देखिए तो आपको क्लियर एकदम दिख जाएगा। तो देखिए आपको इस सिनई पेनिसुलर यानी कि सिनई प्रायद्वीप वो आपको देखने को मिलेगा। फिर उसके बाद में आपको ईस्टर्न डेजर्ट देखने को मिलेगा, ईस्टर्न डेजर्ट कहाँ पर है थोड़ा सा नीचे आएंगे तो इस तरह से आपको देखने को मिलेगा। फिर देखिए यहाँ पर इथोपियन हाईलैंड देखने को मिलेगा, इथोपियन हाईलैंड देखिए इथोपिया में भाई इधर देखने को मिलेगा। अब देखिए इसके अलावा सोमालियन पेनिसुलर, तो ये है सोमालियन पेनिसुलर, इधर क्या है पर डाकू बकू रहते हैं, समुद्र लुटेरे रहते हैं, तो ये सारी चीजें हमको देखने को मिलेंगी। तो आप लोग वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लाइक करें, शेयर करें और अपने टास्क को है वो ऑन टाइम पर कवर करें। और हम आज ज्यादा चीजें नहीं बताएंगे क्योंकि हमारे गले में थोड़ा सा हो रहा है दर्द, हमें सांस लेने में हो रही है थोड़ी सी प्रॉब्लम, तो इस वजह से ओके। लेकिन शाम को आप लोग क्लास होगी ओके, लेकिन 3 बजे वाली अभी हम नहीं कह सकते हैं। तो चलिए इस लेक्चर को यहाँ पर फिनिश करते हैं, ज्यादा से ज्यादा वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, इसी तरह से अपना प्यार